चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रश्नावली 4.1, प्रश्न पहला। देखिए, ये सारे प्रश्न जो अब होंगे वो कब समझ में आएंगे, जब आप मेरे इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाओगे और वहाँ सबसे पहली वीडियो देखोगे। जी हाँ, गणितीय आगमन सिद्धांत की सबसे पहली वीडियो देखोगे। अब जो है मैं नहीं समझाऊंगा कि गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है, अब सीधा मैं प्रश्नों को सॉल्व करूंगा, है ना। तो अगर आपको गणितीय आगमन सिद्धांत समझना है तो इस चैप्टर का सबसे पहला वीडियो आपको देखना होगा। तो हमें इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक कथन दिया हुआ है। तो कथन को हम लिखते हैं पी एन से। तो पहले हम कथन लिख देते हैं। एक कथन है हमारे पास पी एन, जो इस प्रकार है कि 1 + 3 + 3 की घात 2 प्लस, यानी कि तीसरे पद में घात 2, चौथे पद में घात 3, यानी एक घात कम, जितना पद है उससे एक कम घात है। इस प्रकार से ये हमारे पास जितने पद है उस पद के एक कम, इस प्रकार से ये हमारे पास परिभाषित है। और इन सब की जोड़, इन सभी पदों की जोड़ किस प्रकार आएगी, 3 की घात n - 1/2। यानी मैं अगर एक पद लेता हूँ तो रिजल्ट 1 आएगा, दो पद लेता हूँ और उनको जोड़ूँ तो कितना आएगा, 4, और इसमें अगर मैं n का मान 2 रखूँगा क्योंकि मैं दो पद ले रहा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। फिर मैं 3 पद लेता हूँ तो 3 * 3 = 9, 9 + 3 = 12, 12 + 1 = 13। तो यानी क्या हुआ, है ना, यानी क्या हुआ कि अगर मैं 3 पद लूँगा तो हमारे पास LHS और RHS दोनों बराबर आएंगे, लेकिन इसमें मुझे कितने पद दिए हुए उनको बार बार जोड़ना, सरल करना, इससे अच्छा है इस सूत्र का मैं उपयोग करके जितने भी पदों तक मुझे इसको ज्ञात करना है मैं आराम से कर सकता हूँ। लेकिन अब ये जो कथन है वो सत्य है या नहीं, प्रत्येक पद के लिए सत्य है या नहीं, ये हमें गणितीय आगमन से सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट क्या है, n बराबर 1 पर कथन के सत्यता की जांच। तो सबसे पहले हम जो है n बराबर 1 पर कथन के सत्यता की जांच करेंगे। तो हमें n की जगह पर क्या लिखना है, इस कथन में हमें पहला पद लेना है। कौन सा पद लेना है, पहला पद लेना है, और पहला पद यहाँ पर कितना है, 1 है। और इस फॉर्मूले में अगर मैं 1 रखता हूँ n की जगह पर तो क्या 1 आता है क्या, पहले हम वो चेक करेंगे। तो यहाँ है 3 की घात n, n कितना लिया मैंने, 1 माइनस 1/2, तो ये हो गया 1 बराबर 3 की घात 1 मतलब 3, और 3 में से 1 गया 2/2, 1 = 1, जो कि क्या है, सत्य है, जो कि सत्य है। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अब है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें माना, यानी मानना पड़ेगा कि n बराबर k पर कथन, यानी जो ये हमारा कथन है उसमें अगर मैं n k रखूँगा तो वो सत्य होगा, ये हमें मानना है ना। माना n बराबर k पर कथन सत्य है, इस स्थिति में n की जगह हमें क्या पुट करना है, k पुट करना है, यानी p k n की जगह पर k रखना है। तो क्या होगा, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर + इस प्रकार हम जोड़ते जाएंगे, तो यहाँ n की जगह क्या आएगा, k माइनस 1 आएगा, बराबर n की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब तीसरा स्टेप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ना। स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि n बराबर k प्लस 1 पर कथन के सत्यता की जांच। यानी हम जो है n, यानी जो हमारा कथन है वो k प्लस 1 पर सत्य है नहीं, इसकी हम जांच करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, इस कथन में n की जगह k प्लस 1 पुट करना है ना। तो जब हम k प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, k की जगह, n की जगह पर हमें क्या पुट करना है, k प्लस 1 पुट करना है। तो ये हो गया 1 + 3 + 3 स्क्वायर +
अब देखो पहले के वाला टर्म आएगा उसके बाद के प्लस वन है ना, पहले दो आएगा फिर तीन आएगा, पहले के आएगा फिर के प्लस वन स्टेप आएगा है ना। तो पहले के टर्म आएगी यानी थ्री के माइनस वन, फिर प्लस इसकी अगली स्टेप यानी तीन के प्लस वन, एन की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ के प्लस वन, फिर ये माइनस का एक है ना बराबर। अब एन की जगह मुझे क्या पुट करना है, के प्लस वन पुट करना है। तो ये हो गया थ्री के प्लस वन माइनस वन अपॉन टू। अब हमें क्या करना है कि इस n बराबर के प्लस वन पर कथन को सत्य बताना है कि ये सत्य है। तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे और RHS लेके आएंगे है ना, LHS लेंगे और RHS लेके आएंगे। तो देखो हमारे पास में ये पूरा टर्म जो है वो LHS का है, तो हम LHS लेंगे। अब देखो मैं LHS ले रहा हूँ और इसमें देखो समीकरण एक लगा रहा हूँ है ना, ये दोनों चीज़ें मैं एक साथ कर रहा हूँ। LHS मेरे पास कौन सा है, ये वाला है। अब आप यहाँ से यहाँ तक देखो ये मेरे पास समीकरण एक का मान है, समीकरण एक में ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इसके बराबर है। तो इसकी जगह पर मैं ये रख सकता हूँ है ना, तो ये मैं समीकरण एक से क्या कर रहा हूँ LHS में ये मान पुट कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये मान क्या है, इसकी जगह पर क्या रख सकता हूँ, तीन की पावर के माइनस सॉरी माइनस वन अपॉन टू। फिर देखो यहाँ पर तो मैंने ये पुट किया, फिर आगे क्या है प्लस, यहाँ के प्लस वन और माइनस वन है ना। तो ये कितना देखो प्लस एक में से एक गया जीरो हो गया, चलो एक बार लिख देते हैं ये क्या हो गया, तीन की पावर के प्लस वन माइनस वन। अब यहाँ क्या हुआ, ये हो गया तीन की पावर के माइनस वन अपॉन टू, फिर प्लस एक में से एक गया जीरो, तो ये हो गया तीन की पावर के है ना, प्लस जीरो मतलब तीन की पावर के बट्टा वन। अब हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, क्रॉस दोनों का गुणा करेंगे फिर क्रॉस गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा हो गया दो, फिर क्रॉस गुणा करेंगे तो एक का इससे गुणा क्या आएगा, तीन की पावर के माइनस वन, फिर इसका इससे गुणा तो प्लस दो इंटू तीन की पावर के। अब देखो ये भी तीन की पावर के है, ये भी तीन की पावर के है, ये कितना तीन की पावर के है, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है ना। इसको ऐसे समझना भाई, एक्स प्लस दो एक्स कितना होता है, तीन एक्स होता है ना। तो ये दोनों इस आपस में जुड़ जाएंगे है ना, ये कितना तीन की पावर के है दो, ये कितना तीन की पावर है एक है ना, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो गया तीन इंटू तीन की पावर के, ये दोनों जुड़ गए, फिर क्या है माइनस वन अपॉन टू। अब देखो हमने एक नियम पढ़ा, इसकी घात कितनी है एक, हमने नियम पढ़ा था कि m की पावर x की पावर m इंटू एक्स की पावर n क्या होता है, x की पावर m प्लस n होता है, ये हमने नियम पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो आधार समान है तो घाते जुड़ेगी, तो ये क्या हो गया तीन की पावर k प्लस वन माइनस एक बट्टे दो, हमें देखो यही लाना था है ना। तो हम क्या कहेंगे, LHS बराबर RHS। तो हम क्या कहेंगे कि n बराबर k पर कथन सत्य है और n बराबर k प्लस वन पर भी कथन सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत ये कहता है कि अगर इन दोनों पर कथन सत्य है तो ये हमारा जो कथन है वो प्रत्येक धन पूर्णांक संख्या के लिए सत्य है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या दो में एक की घात तीन प्लस दो की घात तीन प्लस तीन की घात तीन, ऐसे करके हम n की घात तीन पदों तक इनको जोड़ें है ना, तो इसकी जो जोड़ होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी है ना, एन का मतलब पदों की संख्या, और यहाँ पर जितने भी नंबर है ना n, वो सब बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, यानी ये जो हमें n रखना है वो एक से लगाकर आगे की क्रमानुगत गिनती अनुसार रखना है ना। यहाँ पर माइनस की संख्या हम नहीं रख सकते, तो यहाँ पर हम गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको प्रूफ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कथन लिखेंगे, हमारा जो ये कथन है वो इस प्रकार है कि एक की घात तीन प्लस दो की घात तीन प्लस तीन की घात तीन, इस क्रम में अगर हम कितने ही पदों को जोड़े तो इसकी जोड़ इस प्रकार से होगी एन एन प्लस वन अपॉन टू की पावर दो।
तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? स्टेप फर्स्ट है n बराबर एक पर कथन के सत्यता की जांच। तो हम n बराबर एक पर कथन के सत्यता की जांच करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस कथन में n की जगह क्या पुट करना है, एक पुट करना है। अब मैंने पहला पद लिया तो हमें पहला टर्म ही लेना है, वो क्या है, एक की घात। और इसका फॉर्मूला क्या है, एन एन प्लस वन अपॉन टू, एन मैंने कितना लिया एक, तो ये फॉर्मूले में पुट करेंगे वन, तो ये वन इंटू वन प्लस वन अपॉन टू, और इसकी पावर क्या होगी, टू होगी। अब अगला स्टेप जो है मैं नीचे नहीं करूँगा, आगे की तरफ करूँगा, आपको नीचे करना है ना, मेरे पास थोड़ी जगह कम है। तो यहाँ क्या हो गया, ये मेरे पास एक की घात तीन कितना हो गया, एक हो गया। और देखो एक इंटू एक और एक कितना, दो बट्टे दो, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो दो से दो कटेगा, हुआ क्या एक की घात दो, यानी कितना होगा एक ही होगा। तो हम कहेंगे एक बराबर एक, जो कि क्या है सत्य है, जो कि सत्य है। तो हमारे जो है n बराबर एक पर कथन सत्य हो गया है। अब हम स्टेप नंबर टू करेंगे, क्या कहता है स्टेप दो, हमें ये मानना है कि माना n बराबर k पर कथन क्या है सत्य है, कथन सत्य, ये हम मानेंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हम n की जगह क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे, है ना। यहाँ n की जगह क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे। तो यहाँ हो गया p k, कितने टर्म तक, k टर्म तक, एक की घात तीन प्लस दो की घात तीन प्लस तीन की घात तीन, और n की जगह क्या आएगा, k की घात तीन बराबर एन की जगह पर के के प्लस वन अपॉन टू की पावर टू। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक। अब हम स्टेप थ्री करेंगे। स्टेप थ्री में हमें क्या करना है बताओ, हमें एन बराबर के प्लस वन पर कथन के सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो हम एन की जगह पर क्या रखेंगे, के प्लस वन रखेंगे। लेकिन हमें पता है कि k प्लस वन से पहले क्या आता है, k आता है, यानी ये पूरा स्टेप तो आएगा ही आएगा, फिर हमें k प्लस वन रखना है n की जगह पर। तो ये हमारा हो गया p k की जगह पर k प्लस वन, n की जगह k प्लस वन। तो यहाँ है एक क्यूब प्लस दो क्यूब प्लस तीन क्यूब प्लस, पहले कौन सी टर्म आएगी, k क्यूब आएगी, फिर उसके बाद k प्लस वन आएगा, है ना। तो k प्लस वन और उसका क्या करेंगे, क्यूब, n की जगह पर k प्लस वन और फिर क्यूब। अब n की जगह पर क्या आएगा, k प्लस वन आएगा। तो देखो यहाँ n की जगह पर k प्लस वन, n की जगह पर k प्लस वन, फिर आगे देखो प्लस वन और है, तो प्लस वन बट्टे दो और ऊपर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, एक बार इस स्टेप को पूरा वापस लिख देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं, इससे हमारा थोड़ा काम सरल हो जाएगा। तो ये हो गया पी के प्लस वन बराबर हम क्या कर रहे हैं, देखो ये हो गया के प्लस वन, है ना, और एक दो जुड़ जाएगा, हो गया के प्लस टू अपॉन नीचे क्या आ गया टू और ये स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि एल एच एस बराबर है आर एच एस, है ना। तो हम क्या लेंगे, LHS लेंगे, LHS लेने पर LHS भी लेंगे और हम समीकरण एक का प्रयोग भी करेंगे, समीकरण एक से। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास समीकरण एक की वैल्यू है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसकी जगह पर तो मैं ये पुट कर दूँगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास के प्लस वन अपॉन टू और होल स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक का समीकरण एक से मान आ गया। फिर प्लस ये क्या है, के प्लस वन की घात तीन, ये इसके नीचे कुछ नहीं, हम बट्टा एक कर देते हैं, है ना। अब सबसे पहले इस स्क्वायर का हम जो है इसको अंदर भेज देते हैं, के की घात दो हो जाएगी और के प्लस वन की भी घात दो हो जाएगी, और दो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया
के स्क्वायर इंटू के प्लस वन का स्क्वायर बट्टे चार प्लस के प्लस वन का क्यूब बट्टे एक। अब हम एलसीएम लेंगे, है ना, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, चार, इन दोनों का गुणा करेंगे चार लिखेंगे। अब क्रॉस गुणा, एक का इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा, हो गया के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू के प्लस वन का स्क्वायर प्लस चार का गुणा इससे करेंगे तो योग्य चार इंटू के प्लस वन का क्यूब। अब देखो के प्लस वन का स्क्वायर इसमें भी है, के प्लस वन का स्क्वायर इसमें भी है, क्योंकि ये क्यूब है तो हम के प्लस वन का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, है ना। इस पूरे में के प्लस वन का स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से तो ये पूरा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, के स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ गया, है ना। तो एक के प्लस वन बचेगा तो अंदर बचा चार इंटू के प्लस वन। अब हम चार का गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा, देखो ये हो गया के प्लस वन का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस चार का गुणा के से हो जाएगा प्लस चार का गुणा एक से हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला हो सकता है, ये है k प्लस आपके दो का फॉर्मूला। देखो k प्लस टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस दो इंटू दो के इंटू दो यानी चार के प्लस दो का कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, है ना। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, k प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलो लिखते हैं, तो यहाँ हो गया k प्लस वन का स्क्वायर इंटू, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, k प्लस टू अपॉन फोर। अब देखो, अच्छा k प्लस टू का स्क्वायर आएगा, है ना। अब देखो स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर इस पर भी है, और चार को मैं क्या लिख सकता हूँ, दो की घात दो लिख सकता हूँ, है ना, यानी स्क्वायर इस पर भी है। तो हम स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो k प्लस वन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, k प्लस टू स्क्वायर बाहर आ जाएगा बट्टे इससे भी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये मैंने बाहर ले लिया। तो हमें जो लाना था हम ला दिए, है ना, यानी कि हमने एल एच एस लिया और आर एच एस लेके आ गए। तो हम कहेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। इसके बाद हमें एक लाइन लिखनी है, क्या लिखना है, क्योंकि हमने प्रूफ किया कि n बराबर k पर कथन सत्य है, n बराबर k प्लस वन पर भी कथन सत्य है, इसलिए हमारा जो ये कथन है वो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए सत्य है। तीसरा प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, है ना। तो हमें इसमें सबसे पहले कथन लिखना होगा, हमारा कथन क्या है, कथन है पी एन पदों तक। तो किस प्रकार से है, इस प्रकार से है, एक प्लस एक बट्टा एक प्लस दो, यानी दूसरा पद में हम एक और दो दोनों को नीचे जोड़ देते हैं। फिर तीसरा पद आता है तो उसमें एक दो और तीन, तीन को हम जोड़ देते हैं, है ना। इस प्रकार से ये चलता जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक प्लस दो प्लस तीन, जितना जोड़ना है n पदों तक जोड़िए आप, है ना। इसको हम कैसे भी जोड़े, कितने ही पदों तक जोड़े, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 2n बट्टे n प्लस वन। यानी इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको n में वो मान पुट कर दो कितने पदों तक जोड़ना है और उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमें इसको प्रूफ करना है, किससे करना है, गणितीय आगमन सिद्धांत से करना है। तो हम सबसे पहले इसमें पहला स्टेप करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, इस कथन में n की जगह पर कितना रखना है, एक रखना है, और पहला पद कितना है, एक ही है। चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं n बराबर एक पर कथन के सत्यता की जांच, तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस n की जगह पर कितना पुट करेंगे, एक पुट करेंगे, यानी ये हमें निर्देश दे रहा है कि हमें पहला पद लेना है, वो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो यहाँ पर है दो इंटू कितना, n की जगह पर एक, एक प्लस एक, एक प्लस एक, आपको नीचे करना है, मैं आगे की तरफ कर रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है ना। तो यहाँ पर है एक बराबर दो इंटू एक, दो बट्टे एक और एक दो,
कटेगा, और ऊपर नीचे कटता है तो कितना आता है, एक आता है ना, तो एक बराबर एक जो कि सत्य है। तो n बराबर एक पर तो हमारा कथन सत्य हो गया। अब हम स्टेप टू करेंगे। स्टेप टू में हम क्या करते हैं कि माना n बराबर k पर कथन क्या है, सत्य है, कथन सत्य है। इस स्थिति में, इस स्थिति में क्या होगा, n की जगह पर k आ जाएगा। तो यहाँ जो हमारा कथन है उसमें n की जगह कितना रखना है, k रखना है। कितने पदों तक, k पदों तक, है ना। कुछ नहीं, n की जगह पर आपके k आ जाएगा। यहाँ n की जगह क्या आएगा, k आएगा, बराबर 2k अपॉन k प्लस 1। ये होगा हमारा समीकरण नंबर एक। अब हम स्टेप थ्री में क्या करेंगे, देखो ये प्रश्न समझना, बहुत बढ़िया प्रश्न है स्टेप थ्री। अब हम क्या करेंगे, n बराबर k प्लस 1 पर कथन के सत्यता की जांच। n बराबर k प्लस 1 पर हम कथन को सत्यापित करेंगे। तो हमारा जो कथन है इसमें हमें n की जगह पर k प्लस 1 पुट करना है, है ना। लेकिन हम जानते हैं k प्लस 1 से पहले k वाला स्टेप आएगा, यानी ये यहाँ से यहाँ तक तो पूरा आएगा, फिर हमें n की जगह पर जो है n प्लस 1 पुट करना है। तो ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा, ये वाला स्टेप आएगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 और ऐसे करके हम जोड़ेंगे तो यहाँ k आएगा। फिर अब k प्लस 1 का स्टेप आएगा, यानी अब n की जगह में n प्लस 1 पुट करना है। 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस पहले k आएगा, फिर k प्लस 1 आएगा, बराबर यहाँ n की जगह पर k प्लस 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, n की जगह पर क्या पुट किया, k प्लस 1 पुट किया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा LHS है और ये RHS है, तो हम LHS लेंगे और RHS लेके आएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ LHS लेने पर और समीकरण एक से, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो समीकरण एक का मान है, और वो क्या है, 2k अपॉन k प्लस 1। तो इसकी जगह पर हम ये पुट करेंगे। अब ध्यान देना थोड़ा, देखो हम LHS ले रहे हैं तो इस पूरे की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, ये पुट कर रहे हैं 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस, अब ये वाला बच गया, हम LHS लेंगे और RHS यानी ये टर्म लेके आएंगे, है ना। ये है एक बट्टे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k तक जोड़ो, फिर इसका अगला वाला k प्लस 1 तक जोड़ो। अब इसमें देखो क्या होगा, इसको ध्यान से देखना। जब भी हम नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके n पदों तक, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n n प्लस 1 बट्टे 2। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये हमें पता भी है कि जब भी हम प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनकी जोड़ इस प्रकार की होती है, ये हमने प्रूफ भी किया है उदाहरण में, है ना। तो यहाँ पर क्या है, k है, n की जगह पर क्या है, k है, तो इनका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कितने पदों तक, k पदों तक। तो n की जगह पर क्या है, k, k प्लस 1 अपॉन 2। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, देखो 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक, इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2, फिर आगे क्या है, प्लस k प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं, हम बट्टा 1 लिख देते हैं। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा,
तो अब देखो मैं शॉर्ट में करूँगा, आप इसको समझने की कोशिश करना। तो ये देखो यहाँ पर हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में इन दोनों का गुणा फिर क्रॉस गुणा होगा, है ना। तो ये एक से गुणा होगा तो ये होगा के इंटू के प्लस वन, फिर प्लस इसका दो से गुणा होगा तो ये हो गया दो के के प्लस वन, है ना। अब यहाँ पर भी के प्लस वन है, यहाँ पर भी के प्लस वन है ना, और नीचे कितना है बट्टे दो है। तो ये ऊपर क्या है, ऊपर है एक, है ना। तो ये बट्टा दो जो है वो ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, सीधा ये वाला स्टेप कर रहे हैं, दो को क्या कर रहे हैं ऊपर भेज रहे हैं और इनका एलसीएम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं। बात समझ में आई आपको? चलो तो यहाँ है 2k अपॉन k प्लस वन प्लस ये दो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और यहाँ पर क्या आएगा k इंटू के प्लस वन, ये दो का गुणा यहाँ होगा प्लस k दो इंटू के प्लस वन, है ना, दो इंटू के प्लस वन। अब यहाँ पर k प्लस वन कॉमन आ रहा है तो ये हो गया 2k अपॉन k प्लस वन प्लस k प्लस वन कॉमन आएगा, k प्लस वन इंटू यहाँ से k प्लस वन कॉमन आया, क्या बचा k बचा, प्लस ये कॉमन आ गया, क्या बचा 2 बचा। तो नीचे मेरे पास आया k प्लस वन इंटू k प्लस टू और ऊपर क्या है 2 है। अब हम लसअप लेंगे इनका, तो लसअप क्या आएगा, देखो लसअप आएगा k प्लस वन इंटू k प्लस टू, क्योंकि ये दोनों में है ना, ये बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर k प्लस वन से k प्लस वन कटेगा तो इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो गया 2k इंटू k प्लस टू, फिर प्लस ये पूरा कट गया, क्या बचा ऊपर 2 बचा। अच्छा अब देखो इसको हम ओपन करेंगे ऊपर से, तो 2 इंटू के कितना हो गया, के स्क्वायर हो गया, या फिर इसको हमें क्या लाना है 2 इंटू के प्लस वन लाना है, ठीक है ओपन करते हैं इसको। तो 2 इंटू के और के का गुणा क्या हो गया 2 के स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 बट्टा के प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब देखो यहाँ पर सब में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, देखो 2k इंटू के 2k स्क्वायर और 2k इंटू टू तो 4k होगा, क्या होगा 4k प्लस 2। अब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं अपन तो अंदर क्या बचा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ये अपने पास द्विघात समीकरण है और किसका है k प्लस वन के होल स्क्वायर का है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर बट्टा k प्लस वन इंटू के प्लस टू। तो यहाँ पर ये इससे कट जाएगा सॉरी। अब हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ पर जब ये कट गया तो हमारे पास ये वाला स्टेप आ गया है ना, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान देना आप, ये है 2 इंटू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू की जगह मैं लिख सकता हूँ के प्लस वन प्लस वन। तो हमारा ये LHS आ गया है ना, तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS, ये हमारा सत्य हो गया जो कि सत्य है। और हमें यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो एक कथन है वो n बराबर k पर सत्य किया, n बराबर k प्लस वन पर भी सत्य है, इसलिए ये प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए कथन सत्य है। अगला देखो प्रश्न संख्या 4, तो इसे हम पहले कथन में लिख देते हैं। कथन क्या होगा, पी एन इस प्रकार है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस एन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इक्वल टू, अगर हम इस रूप से इनको जोड़ते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है, क्या होगा एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 अपॉन 4। तो ये हमारा कथन हो गया। तो हम पहला स्टेप करेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट है n बराबर 1 पर कथन के
सत्यता की जांच। तो हमें एन बराबर वन यानी पहला पद लेना है, तो यहाँ पी वन, एन यानी पहला पद, और पहला पद है एक इंटू दो इंटू तीन, ये हमारा पहला टर्म है, वो इस प्रकार से है ना। एन क्या लेना है, वन इंटू वन प्लस वन कितना हो गया, एक बार कर देते हैं, वन प्लस वन इंटू वन प्लस टू, वन प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री अपॉन फोर। अब आपको नीचे करना है, मैं आगे की तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तीन दूनी छः, छः एकम छः, यानी यहाँ पर कितना आया, छः आया। फिर ये देखो एक इंटू दो, फिर ये तीन इंटू चार बट्टे चार, चार से चार कटेगा, यहाँ आया छः बराबर दो तिया छः, छः एकम छः, जो कि क्या है, सत्य है, जो कि सत्य है। तो हमारा ये पहला स्टेप तो पूरा हुआ, सत्य भी आ गया। अब स्टेप टू करेंगे अपन। स्टेप टू में क्या है, माना n बराबर k पर कथन सत्य है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हम n की जगह पर k पुट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये कथन है p, n की जगह हमें k पुट करना है, ये हो गया एक इंटू दो इंटू तीन प्लस दो इंटू तीन इंटू चार प्लस, ऐसे करके ये n की जगह पर क्या आएगा, k आएगा, k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू बराबर, यहाँ पर भी क्या आएगा, k आएगा, k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक। अब स्टेप थ्री, स्टेप थ्री, n बराबर k प्लस वन पर कथन के सत्यता की जांच, हम सत्यता की जांच करेंगे। तो हमें क्या करना है, n की जगह पर k प्लस वन पुट करना है, लेकिन k प्लस वन से पहले कौन सा स्टेप आएगा, k वाला स्टेप आएगा, तो हमें k वाला स्टेप भी लिखना पड़ेगा। इसको थोड़ा मैं पीछे लिख देता हूँ। तो हम पहले k का स्टेप करेंगे, फिर ये इस कथन में जो है हम k प्लस वन पुट करेंगे, है ना। तो ये स्टेप है एक इंटू दो इंटू तीन प्लस दो इंटू तीन इंटू चार प्लस k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू, k वाला स्टेप आ गया। अब k प्लस वन का स्टेप, यानी यहाँ पर n की जगह हमें k प्लस वन पुट करना है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया k प्लस वन n की जगह, यहाँ देखो n की जगह k प्लस वन पुट करेंगे, फिर ये प्लस वन और है तो क्या हो जाएगा, k प्लस टू हो जाएगा, तो ये हो गया k प्लस टू। फिर आगे दो है, एक और जुड़ जाएगा, थ्री हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया k प्लस थ्री बराबर। यहाँ पर भी हम n की जगह पर k प्लस वन पुट करेंगे, तो ये k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री, k प्लस फोर अपॉन फोर हो जाएगा, यानी इन सब में प्लस वन ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री और k प्लस फोर बट्टे चार। अब हमें क्या करना है, LHS लेना है और ये वाली टर्म लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, LHS लेने पर और समीकरण एक सीधा कर रहे हैं ना, यानी आपको क्या करना है, ये वाली टर्म LHS लिखनी है, फिर समीकरण एक लगाना है, फिर आपको करना है। मैं सीधा कर रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण एक का मान रखेंगे, LHS ले लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या है, समीकरण एक है, और समीकरण एक में यहाँ से यहाँ तक का मान ये है, तो इसकी जगह पर मैं ये पुट करूँगा, है ना, इसकी जगह पर ये पुट करूँगा। तो ये हो गया k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री अपॉन फोर, ये इसकी जगह पर आ गया। फिर आगे क्या है, प्लस ये वाला स्टेप, k प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा एक कर देते हैं। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, है ना, फोर।
तो ये दोनों का गुणा होगा, इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे होगा, तो ये हो गया k इंटू के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, प्लस इसका गुणा इससे होगा, तो फोर के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री। अब देखो इन दोनों टर्म में k प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही कॉमन लेंगे ना अपना जो है सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। देखो इसके आगे कर रहा हूँ, है ना, ये इसमें भी कॉमन है, ये पूरा इसमें भी कॉमन है, तो k प्लस वन, के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, ये पूरा कॉमन आ गया। अब बचा क्या, इसमें बचा k और इसमें बचा 4, और हमें यही लाना था, देखो हो गया, है ना, तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS जो कि सत्य है। और अब ये सत्य हो गया, तो यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी, क्या लिखना है, क्योंकि कथन n बराबर k पर सत्य है, n बराबर k प्लस 1 पर भी सत्य है, इसलिए यहाँ पर जो हमारे ये कथन है वो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक यानी n के लिए, n के लिए क्या है, सत्य है। प्रश्न संख्या 5, तो सबसे पहले हम कथन लिखेंगे, कथन क्या होगा, P ऑफ n इस प्रकार है, 1 × 3 प्लस 2 × 3 की पावर 2 प्लस 3 × 3 की पावर 3 प्लस n टर्म यानी n पदों तक n × 3 की पावर n बराबर 2n-1 की पावर 3, सॉरी पावर नहीं है, इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। अच्छा, अब सबसे पहले हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, n प्लस 1 पर कथन, n बराबर k, सॉरी स्टेप फर्स्ट n बराबर 1 पर कथन के सत्यता की जांच। तो हमें क्या करना है, n की जगह पर 1 पुट करना है, तो हमारा जो कथन है वो पहले पद में क्या है, 1 × 3, है ना, और इसमें पहले पद में सूत्र हमारा ये बनता है, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो ये है 2 × 1 माइनस 1 × 3 की पावर n प्लस 1 यानी 1 + 1 प्लस 3/4। अब 1 × 3 कितना हुआ, 3 हुआ, अब 2 में से 1 गया, बचा 1 × 3 की पावर 1 + 1 यानी 3 की पावर 2 प्लस 3/4। अब 1 का किसी से भी गुणा करो वही संख्या आती, 3 की घात 2 यानी कि 9 प्लस 3/4, 9 और 3 12, 12/4 इसको काटेंगे कितना आएगा, 4 × 3 = 12, तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, है ना, तो हम कहेंगे जो कि क्या है, सत्य है, जो कि सत्य है। आपको देखो ऐसे नहीं करना, आपको कैसे करना है, इस स्टेप के बाद में सीधा ये वाला स्टेप लिखना है, फिर आगे ये स्टेप और लास्ट में ये वाला स्टेप यानी 3 = 3, है ना, आपको ऐसे करना है। मेरे पास यहाँ जगह कम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब हम स्टेप 2 लेंगे, स्टेप टू में हमें क्या करना है, माना n बराबर k पर कथन सत्य है, और अगर n बराबर k पर कथन सत्य है तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर k पुट करेंगे, तो हमारा एक कथन हमें वापस लिखना है, 1 × 3 प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 का क्यूब प्लस n × 3 की पावर n बराबर, n की जगह हमें k लिखना है ना, k, n की जगह k पुट करना है, बट्टा 2k-1 × 3k+1 प्लस 3/4, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम स्टेप 3 करेंगे, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, n बराबर k प्लस 1 पर कथन के
सत्यता की जांच। तो यहाँ पर हमें n की जगह पर k प्लस वन पुट करना है, लेकिन उससे पहले k वाला पद आएगा, फिर k प्लस वन पद आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला पद तो वापस लिखेंगे, फिर k प्लस वन का स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ हो गया p k प्लस वन, ये स्टेप आएगा, एक इंटू तीन प्लस दो इंटू तीन की पावर दो, ऐसे करके n इंटू तीन की पावर k। ये वाला लिखो या नहीं लिखो, ये इसमें आ गया, है ना। अब इसके बाद क्या आएगा, k प्लस वन, यानी यहाँ n की जगह अब हम k प्लस वन पुट करना है। तो ये हो गया k प्लस वन इंटू तीन की पावर k प्लस वन बराबर, फॉर्मूले में भी हमें n की जगह पर k प्लस वन पुट करना है। तो दो इंटू, यहाँ n की जगह पर क्या आएगा, k प्लस वन, ठीक है, इंटू तीन, n की जगह पर k प्लस वन, फिर प्लस वन हो जाएगा, तो वो प्लस टू कर देता हूँ मैं उसको, है ना। तो ये हो गया n की जगह पर k प्लस वन, और वन और वन कितना हो गया, टू हो गया, मैंने सीधा कर दिया यहाँ पर, फिर प्लस तीन बट्टे चार, एक मिनट रुको, यहाँ टू के प्लस वन माइनस वन भी है यहाँ, है ना। तो यहाँ माइनस वन भी लिखना है, माइनस वन, टू इंटू के प्लस वन, फिर माइनस वन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये हमारा LHS हो गया और ये RHS हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, LHS लेने पर और समीकरण एक से, तो हमारा LHS जो है वो यहाँ से यहाँ तक समीकरण एक के अंदर है, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये स्टेप लिख सकता हूँ, है ना। तो LHS में मैं समीकरण एक का प्रयोग करूँगा, तो इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह आ जाएगा 2k माइनस वन इंटू थ्री के प्लस वन प्लस थ्री अपॉन फोर प्लस ये वाला स्टेप, k प्लस वन इंटू तीन की पावर k प्लस वन, हमें ये लाना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो बट्टा एक कर देते हैं, LCM लेंगे इनका, देखो इन दोनों का गुणा मैंने नीचे लिख दिया, अब क्रॉस गुणा करेंगे, तो एक का इससे गुणा हुआ, 2k माइनस वन इंटू तीन की पावर k प्लस वन प्लस थ्री, फिर प्लस इसका गुणा इससे हुआ, यानी चार इंटू के प्लस वन इंटू तीन की पावर k प्लस वन, अब देखो तीन की पावर k प्लस वन इसमें भी है और तीन की पावर k प्लस वन इसमें भी है, इन दोनों स्टेप में हम तीन पर तीन इन की पावर k प्लस वन को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इन दोनों स्टेप में प्लस थ्री अलग हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया तीन की पावर k प्लस वन, तो यहाँ क्या बचा, 2k माइनस वन, ठीक है, और ये तो साइड में हो जाएगा, ये बचेगा प्लस प्लस, ये हमें पास क्या बचेगा, चार के प्लस वन, चार इंटू के प्लस वन प्लस थ्री, ये साइड में आ गया। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पर तीन की पावर के प्लस वन इंटू ये टू के माइनस वन, इसको हम ओपन करेंगे तो ये चार के, और इसका चार से गुणा होगा तो चार हो जाएगा, तो चार में से एक गया तीन बचेगा, और चार के और दो के कितना हो गया, छः के हो गया, तो अंदर हमारे पास बचा छः के और प्लस तीन, ये अंदर बचेगा हमारे पास, फिर प्लस तीन है ये साइड में बट्टे चार। अब देखो आगे करेंगे इसको, तीन की पावर के प्लस वन, है ना, यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है तीन, तो इंटू तीन कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो अंदर क्या बचा, 2k प्लस वन, है ना, प्लस तीन बट्टे चार। अब देखो यहाँ पर नियम लगेगा, कौन सा, k प्लस वन, घात k प्लस वन है और घात कितनी, एक, तो आधार समान हो तो घातें जुड़ती है ना,
गाते जुड़ती है और हमें ये वाला स्टेप लाना है, ये वाला नहीं, ये वाला स्टेप लाना है। तो यहाँ गाते जुड़ जाएगी, तो ये कितना हो गया, 3 की पावर k+2, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इसको मैं क्या ये वाला लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, 2k+1 आएगा, तो इसकी जगह मैं ये वाला स्टेप लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा 2 × k+1 −1, क्योंकि इसको जब ओपन करेंगे देखो 2k 2 − 1, 2 में से गया 1, यानी प्लस का 1 बचेगा, यानी ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। फिर +3/4, ये देखो हम LHS लेके आ गए, है ना। तो हम कहेंगे LHS = RHS, तो जब LHS और RHS दोनों बराबर है, इसका मतलब ये n = k+1 पर कथन सत्य है। और कथन जब n k पर भी सत्य है, k+1 पर भी सत्य है, इसका मतलब है ये प्रत्येक n के लिए धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए सत्य है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।